सूत भगवान कहते हैं, कभी आपके परिवार के ऊपर, किसी बच्चे पर, किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई विपत्ति आ जावे, कष्ट आ जावे, तो भी माँ भगवती की आराधना करो, देवी भागवत की कथा सुनो, तो देवी भागवत की कथा से, माँ भगवती की कृपा से आपके परिवार के ऊपर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये मंत्र माँ भगवती ने तीनों देवताओं को दिया, जाओ इस मंत्र का जब अनुष्ठान जाप करोगे तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। तीनों देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ भगवती इस मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का अर्थ भी पता होवे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमास्तुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंचस्थ श्रद्धेय स्वामी जगदानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी वियोगानंद जी महाराज, अपनी साधना में तत्पर मंच पर विराजमान संत समाज और सत्संग प्रेमी सभी भक्तजन, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जिसमें वक्ता के रूप में स्वयं व्यास जी हैं, श्रोता के रूप में जन्मेजय जी हैं, बीच बीच में प्रसंग आएगा, कभी देवर्षि नारद भी उपदेश करते हैं, बीच में कार्तिकेय भी उपदेश करते हैं, अवान्तर कथाएं हैं। सरस्वती नदी के तट पर भगवान वेदव व्यास जी विराजमान थे, एक बाहर दृश्य देखा, पक्षी हैं अपने घोंसले में बच्चों के साथ प्रेम में रम रहे हैं, उनको देख करके
व्यास जी के चित्त में संकल्प हुआ हमारे भी पुत्र होना चाहिए। देख करके और सुन करके चित्त में कामना प्रकट होती है। कभी किसी चीज को देखा तो उसको पाने की लालसा हो जाती है, या कभी किसी चीज के बारे में सुना, किसी ने बता दिया कहीं पर, टीवी में विज्ञापन में देख लिया, सुन लिया, उससे भी मन के भीतर पाने की चाह पैदा हो जाती है। देख करके और सुन करके, इसीलिए पूज्यपाद अपने समय के अद्वितीय विद्वान हमारे डोंगरे जी महाराज, वो कहते थे इस जगत को देखो ही मत, संसार को देखोगे और चित्त में आपके कामनाएं आकर के बैठ जाएंगी। उनका अपना भी स्वभाव था, हमने उनका सत्संग सुना। वो मंच पर आते थे और ऐसे सिर नीचे करके बैठ जाते थे, श्रोताओं की तरफ भी नहीं देखते थे। कोई फोटो नहीं खींच सकता था, कोई उनके पांव नहीं छू सकता था, कोई अगर उनके पांव छू लेवे तो कहते थे उस दिन वो व्रत करते थे। संसार को देखोगे और मन के भीतर तरह तरह की कामनाएं आके बैठ जाती हैं, और कामनाएं आएंगी, आप संसार में जाकर के लग जाओगे, अपने आत्मस्वरूप से दूर हो जाओगे। माँ भगवती की करुणा हो, अंतर्मुखता बनी रहे। बहिर्मुखता संसार है, अंतर्मुखता ही साधना है। जितना आप अंतर्मुखी हैं उतने आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वही भजन है, वही साधना है। व्यास भगवान ने घृताची नाम की अप्सरा के माध्यम से सुखदेव जी को प्रकट किया। व्यास भगवान के पुत्र हुए सुखदेव जी। यहाँ जो प्रसंग है देवी भागवत में, भौतिक दृष्टि से बिल्कुल सही लगता है। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब तक वो व्यास जी के साथ ही थे। यज्ञोपवीत के बाद वो वेदाध्ययन करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में गए। वेद वेदांग सबका उन्होंने अध्ययन किया। वेद के 6 अंग हैं, उनको कहते हैं वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। जब सबका ज्ञान प्राप्त हो गया तो वहां से वापस आए, समावर्तन संस्कार हुआ, और व्यास भगवान के चित्त में अगली भावना पैदा हुई कि मेरे पुत्र का विवाह संस्कार हो जाए। अभी कहीं पर लखनऊ में ही किसी समय चर्चा हो रही थी तो वहाँ पर ध्यान आया कि 16 संस्कार का वर्णन किया गया है हमारे धर्मशास्त्र में, जिसमें गर्भ में बालक अभी आया भी नहीं तभी हो जाता है गर्भाधान संस्कार। फिर उसके बाद में सीमोंत नयन, पुंसवन, जात कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, कई कई संस्कार चलते हैं। संस्कार माने उसको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संस्कारित करना, उसके चित्त में वैसा भाव डालें। और संस्कार की प्रक्रिया चलते 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 एक समय पर संस्कार होता है, उसको कहते हैं विवाह संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार होगा, वेद अध्ययन कर लिया तो समावर्तन संस्कार हुआ, समावर्तन संस्कार होकर के आया तब तक उसके 14 संस्कार हो चुके हैं। गर्भ में आने से लेकर के और गुरुकुल से विद्या पढ़कर के आया, इसके बीच में 14 संस्कार हो गए, और उसके बाद फिर 15वां संस्कार है जिसको हम कहते हैं विवाह संस्कार। बालक का विवाह हुआ, और जब विवाह हो गया तो उसके बाद कोई संस्कार का वर्णन ही नहीं है। गर्भ में आने से लेकर के पढ़ने तक तो संस्कार है, विवाह में फंस गया उसके बाद अब कोई संस्कार का वर्णन नहीं है, कोई नहीं है। अब
एक ही संस्कार बचा है, कौन सा वो? आखिरी वाला राम नाम सत्य है, अंत्येष्टि संस्कार, वो 16वां हो जाएगा। मतलब विवाह हो गया तो उसके बाद फिर और कुछ वर्णन ही नहीं है। हमको खुद आश्चर्य लगा जब हमने उसको ध्यान से देखा, तो हमने कहा विवाह के बाद फिर तीन ही चीज याद रहता है, नोन तेल लकड़ी, और फिर और याद क्या रहेगा? घर गृहस्थी वही करते रहो, कमाओ खाओ और कौन सा। सुखदेव भगवान के चित्त में वैराग्य है, नहीं नहीं पिताजी, मैं इस गृहस्थ के बंधन में नहीं फंसूंगा, कोई हाथ पांव नहीं बांध लेता गृहस्थ में, हमारा अपना ही चित्त जाके बंध जाता है, हम स्वयं बंध जाते हैं। किसी ने आपको पकड़ थोड़े रखा है, ना घर ने, ना पत्नी ने, पुत्र ने, किसी ने नहीं बांध रखा है, मेरे चित्त ने बांध रखा है, मैं स्वयं और बड़ी प्रसन्नता से बंधता हूं। और चूंकि अपना बनाया हुआ बंधन होता है और भीतर का सूक्ष्म बंधन होता है, अंतर जगत का होता है, तो उस बंधन से बाहर निकलना भी बहुत कठिन होता है। बाहर का बंधन स्थूल है, काटा जा सकता है, मानसिक बंधन, अंदर का बंधन सूक्ष्म है, उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। हम गृहस्थ में नहीं जाएंगे, हम तो सीधे आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे और जीवन मुक्ति का आनंद लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, आनंद में रहेंगे। व्यास भगवान को लगा हमारे एक ही पुत्र है, शिष्य कई थे, पुत्र तो एक ही था, और ये भी अगर महात्मा बन जावेगा तो हमारी वंश परंपरा ही उच्छिन्न हो जाएगी। व्यास भगवान फिर धर्म शास्त्र का आधार लेकर के प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार उपदेश करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग का। बेटे चार आश्रम का निरूपण है, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाकर के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के थोड़ा साधना भजन करना चाहिए, और सन्यासी होकर के जीवन मुक्त होना चाहिए। ये शास्त्र में चार आश्रम का वर्णन किया गया है, क्रम से चलो, प्रवृत्ति मार्ग में एक से दूसरे पर आश्रमाद आश्रमम, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, तब आप बहुत आसानी से आगे बढ़ोगे। एक सीढ़ी पर पांव जम गया तो दूसरी सीढ़ी पर पांव उठाओ, और सीधे अगर तुम छत पर पहुंचना चाहोगे तो सीधे छत पर पहुंचने में खतरा बहुत है, गिर सकते हो। पुत्र नहीं, क्रम से चलो। सुखदेव भगवान कहते हैं पिताजी, अच्छा आप शास्त्र के अनुसार ये बताइए कि एक समय पर ये सब छोड़ना है कि नहीं, एक समय पर छोड़ना है कि नहीं? पिताजी ने कहा हां एक समय पर तो छोड़ना ही है। तो पिताजी जब एक समय पर छोड़ना ही है तो मैं अभी क्यों पकड़ूं उसको? कोई भी कह सकता है एक समय पर यज्ञोपवीत कराया जाता है, आपको यज्ञोपवीत कराया गया, चोटी रखाई गई, शिखा सूत्र, और एक समय पर शास्त्र का विधान है कि जब सन्यास लेगा तो उसका चोटी और उसका जनेऊ से विसर्जन हो जाएगा, एक क्रम है। जब इतनी योग्यता हो जावे तो, जैसे एक समय पर नाव पर बैठना है और जब नाव से उस पार पहुंच गए तो उस पार जाकर के नाव छोड़ देना। और कोई कहे कि अगर नाव छोड़ने है तो मैं बैठी हूं क्यों, तो मतलब अभी उसकी समझ ठीक नहीं। अच्छा एक समय पर विद्यालय छोड़ना है, एक समय पर बच्चे को विद्यालय छोड़ना है, तो बच्चा कह दे कि अगर एक समय पर विद्यालय छोड़ना ही है तो हम उसमें जाके प्रवेश क्यों ले? व्यास भगवान कहते हैं विद्यालय में प्रवेश करो, विद्या अध्ययन हो जावे तो विद्यालय छोड़ करके कॉलेज में चले जाओ और आगे चले जाओ, एक से दूसरे में चलना चाहिए, क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते नहीं सीधे हम पहुंच जाओ, सुखदेव भगवान निवृत्ति मार्ग के पथ पर जाना चाहते हैं, व्यास भगवान प्रवृत्ति मार्ग पर। ये दोनों मार्ग का झगड़ा बहुत पुराना है, नया नहीं है, बहुत पुराना है।
बचपन से ही महात्मा बनना चाहिए कि हाथ पांव जब काम ना करे तब? कब बनना चाहिए? जब कानपुर में हड़ताल हो जावे, जब कानपुर में हड़ताल माने कान से सुनाई ना पड़े, तब गुरुजी के पास चलो। गुरुजी कहें राम तो कहना आम कहाँ है? अब बताओ कब? अरे हम लोग कहते हैं भगवान को अगर फूल भी चढ़ाना है तो ताजे फूल चढ़ाओ, भगवान को भोग भी लगाना है तो अभी अभी भोजन बनाया है पहले भगवान को लगाओ, बाद में खाना। बासी फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। सुखदेव भगवान कहते हैं ये बचपन में जो भजन साधना हो जाएगी वही काम आवेगा, बाद में फिर लकीर पीटते हैं, दिनचर्या का निर्वाह कर लेते हैं। वास्तव में साधना भजन, आप पुराण पढ़ लेना, सारे शास्त्र पढ़ लेना, जिसको भगवान जल्दी दर्शन दिए हैं, कृपा किए हैं, ज्यादातर बचपन से साधना भजन किए हैं। शबरी माँ की कथा सुने हो, प्रहलाद की कथा सुने हो, ध्रुव की कथा सुने हो, ये सब बचपन से निकले हैं कि नहीं? सुखदेव जी खुदे बचपन से निकले हैं कि नहीं? पूरा का पूरा आप धर्मशास्त्र उठा के देखो। कुछ लोग हैं जो युवावस्था से निकले हैं, वृद्धावस्था से भी आगे आए हैं, ऐसा भी वर्णन है। परीक्षित को जब श्राप मिल गया तब वो इस मार्ग पर आए, वो भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बचपन से अगर निकल जाए तो हिम्मत होती है। एक आप समझो कि क्या कहूं, एक ऐसा उत्साह होता है कि रिस्क ले सकता है। ज्यादातर घर छोड़ करके भागते बच्चे हैं, माँ बाप ने जरा सा डांट दिया, दो थप्पड़ मार दिया, ताव में रात भर गुनगुन गुनगुन करता रहा, सवेरे घर छोड़ के भाग जाएगा, घर छोड़ के भाग जाए। फिर बाहर जाके भले वो ढाबे पर कप प्लेट धोवे, धक्के खाता है, लेकिन ताव में हिम्मत जोश है उसमें, कहता है नहीं रहूंगा इनके घर में, जा रहा हूं। बचपन जैसे जैसे उम्र बीतती है फिर वहीं समझौता होने लगता है, अरे बाहर जाएंगे तो कहाँ, फिर इतनी ठंडी में कंबल कहाँ मिलेगा, कहाँ भोजन मिलेगा, अरे अरे थोड़ा दो कटु वचन बोलती है, अपने तो बहू है। व्यास भगवान अब क्या उत्तर दें? व्यास भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि सीधे निवृत्ति में जा सकते हो, त्याग के मार्ग में, प्रवृत्ति में नहीं जाना, गृहस्थ में नहीं जाना, तो निर्णय करा लो विदेह राज जनक से। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, ये बात आपकी मान लेता हूँ, उनके पास भी चला जाता हूँ। और सुखदेव जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके और चल पड़ते हैं। वर्ष द्वयेन मेरुम च समुलंघ्य महामति, हिमाचलम च वर्षेण जगाम मिथिलाम प्रति। 2 वर्ष की यात्रा करते हैं, याद है ना, व्यास भगवान सरस्वती नदी के तट पर थे, बद्रीनाथ के पास में, और वहां से मिथिला माने नेपाल, वहां पर भी जनकपुर बहुत थोड़ा आगे है, मिथिला जो नेपाल है उसमें काठमांडू, और वहां से दिन भर चलते हैं तो जनकपुर पहुंचते हैं, गाड़ी से दिन भर, कार चलते हैं 400-500 तो जनकपुर पहुंचते हैं। सुखदेव जी महाराज चलते चलते पैदल, यहाँ लिखा है 2 पर्वत मेरुम चा समुलघ्य, 2 पर्वत की चोटी कोई आई होगी, इस चोटी से उधर पहुंचे उधर पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो पूछा होगा सम्राट विदेहराज जनक से मिलना चाहते, किसी ने बता दिया होगा इस रास्ते से जाओ, महाराजा का उधर महल होगा, उस रास्ते से जा रहे हैं, वहां पर एक पहरेदार खड़ा है, वो पहरेदार ने लगाया भाला, कहाँ जा रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ब्रूहि मोकोश किम ब्रह्मन किमर्थम तम इहागता, तुम यहां किस लिए आए हो, अपने आने का प्रयोजन बताओ, कौन हो, क्यों आए हो, क्योंकि महाराजा की आज्ञा है, हम वहां के पहरेदार हैं, आज्ञा है कि बिना
जाने बूझे किसी को नगर में प्रवेश नहीं देना है। सुखदेव महाराज वहीं खड़े हो गए। अब भाई एक विद्वान तेजस्वी, ये वर्णन आया है, शास्त्र में वर्णन आया है ऐसा कि अगर कोई राजा की सवारी आ रही है इधर से, रास्ता छोटा सा है, पुलिया है और राजा की सवारी है, और सामने से कोई विद्वान ब्राह्मण का बालक भी आ जावे तो राजा को रास्ता दे देना चाहिए, ऐसा महाभारत में वर्णन आया है, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। तुमने हमको रोक लिया, बड़े बड़े सम्राटों के यहां पर जो विद्वान ब्राह्मण होते थे उनको कोई रोकता नहीं था, तुमने हमको रोक लिया। तो अब सुखदेव जी कहते क्या हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं सुखदेव जी को, कहते हैं मोहोयम मम दुर्बुद्धे समुलंघ्य गिरिद्वयम राजानम दृष्टु कामोहम पर्यटन समुपागता वंचितो हम स्वयं पित्रा दूषणम कस्य दीयते। मेरे पिता ने ही मुझको इस रास्ते पर लगा दिया, क्या कहूं, ये मेरी ना समझी थी। सुखदेव भगवान का वचन, मेरी ना समझी थी जो मैं राजा से मिलने यहां पर आया, राजा से मिलने आया। देखो एक आजकल हमारे चित्त में ऐसा चल रहा था, मैंने कई जगह पर इस बात की चर्चा की, जिसको जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं जाता है, और जरूरत है तो वहां के नियम कायदे को आपको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जरूरत जिसको है। अब आपका स्वास्थ्य अगर खराब है तो अस्पताल जाना पड़ेगा, जरूरत हमारी है अस्पताल जाने की, अस्पताल वाला कह देता है कि यहां फार्म है इसमें भरो, यहां पर दस्तखत करो, तो आप करो, आप करो, क्यों, क्योंकि जरूरत हमारी है। इसलिए अगर आप अपनी मर्जी से रहना चाहते हो, नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा ऐसा महात्मा हूं मंडलेश्वर हूं, तो अपनी कुटिया में बैठे रहो, जिसकी जरूरत होती है उसको उस वहां के नियम कानून का। हम तो कहते हैं कि अभी हम गए, अब उसने कहा महाराज लाइन से आओ, एयरपोर्ट पर जब पहुंचे बैग लेकर के अंदर जाना, महाराज लाइन से आओ। अब हम कहें हम तो नहीं महात्मा जी हैं, बोलेगा तुमको कोई बुलाने हम थोड़े गए थे, आपकी गर्ज है, आपको जरूरत है तो आप लाइन से आओ, नहीं तो घर बैठे रहो। अब लाइन से लग गए महाराज बंगलौर में, उसने कहा घड़ी भी उतार के रखो, दिल्ली में नहीं उतरवाता, बंगलौर में उसने कहा घड़ी भी उतार दो, मोबाइल भी रखो, सब यहां सब रखो, ऐसे हाथ उठाओ। भैया ऐसे हाथ उठा दिया, हाँ पूरा मशीन लगाया, फिर उसने कहा घूम जाओ, ऐसे बोला घूम जाओ। अब हम घूम गए, गर्ज किसकी है, मेरी जरूरत मेरी है, तो मुझको उसकी सारी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कभी आप इसको समझो, आप कभी किसी संत के पास गए तो जरूरत किसकी है, हमने किसी को कहा ऐसे एक जगह पर मेरठ में बैठे थे, हमने कहा जिसको जरूरत है उसको समझना पड़ेगा, आप यहां पर आकर के अकड़ दिखाओ तो नहीं चलेगा, अभिमान रूपी चप्पल को बाहर रख करके आओ, हमारी जरूरत होगी तो मैं आपके दरवाजे पर धक्का खाऊंगा, और जरूरत अगर आपकी है तो आप समझो, इस रहस्य को थोड़ा समझना चाहिए। अब मान लो कोई कोई अभिमान में आकर के कह देवे कि नहीं नहीं अब हमको स्वामी जी की कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब स्वामी जी का नहीं, आपको स्वामी जी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, स्वामी जी के ज्ञान की जरूरत नहीं, स्वामी जी की कृपा की जरूरत नहीं, यही तो ना। अगर हमारी हमारा हुक्म नहीं मानना है, हमारा कहना नहीं मानना है, इसका मतलब अब स्वामी जी के आशीर्वाद कृपा की कोई जरूरत हमको नहीं, जब जरूरत नहीं तो फिर नाता काय का। मैं यहां मिथिला आया हूं, यही मेरी कमी थी, तो मुझको ये दरबान भी रोक दे रहा है, पहरेदार भी रोक दे रहा है, अरे क्या को निराशस्य सुखम नित्यम यद मोहे न मज्जति। सबसे बढ़िया तो अपने स्थान पर रहते, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते,
कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसी चीज होते हैं, अपनी जगह से अलग हो जाते हैं तो शोभायमान नहीं होते। कौन कौन? कहा नाखून है, इधर उधर निकल आवे तो अच्छा नहीं लगेगा। दांत हैं, आगे पीछे निकल आवे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाथी है, मंदिर में होगा तो शोभायमान होता है, लेकिन जंगल में तो लकड़ी ढोएगा। सर्कस में हो जावे तो खेल दिखावेगा। सम्राट है, अपने यहां पर शोभायमान होता है। मैं यहां पर आया, यही मेरी भूल थी। ऐसे ऐसे शब्द कहा, मैं यहां पर आया, यही मेरी भूल थी। पहरेदार ने कहा, महाराज आप तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, ऐसा तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। ज्यादातर जिसको जिसको आए और मैंने रोका है अंदर जाने से, वो सब हमसे ही लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हमको ही बुरा भला कहा है सबने। किसी ने कहा है सम्राट से मेरा व्यक्तिगत परिचय है, किसी ने कुछ और कहा है, लेकिन आपने तो हम पर एक भी कोई दोष नहीं लगाया। राजा जनक पर, सम्राट पर कोई दोष नहीं लगाया, आपने अपनी समझ पर ध्यान दिया। ऐसा विद्वान ब्राह्मण तो हमने देखा ही नहीं। देखना चाहो तो अपने भीतर झांको। पहरेदार ने प्रणाम किया, प्रणाम किया, कहा अपराधो मम ब्रह्मन यन निवारितवान अहम। हे महाराज, मेरा अपराध हो गया जो मैंने आपके सामने भाला लगाया, आपको मना किया। आप विद्वान हैं, आप जा सकते हैं, आप जाइए, लेकिन आप जैसा विद्वान महात्मा हमको मिलेगा कहां? आज मिल गए हो, मेरे मन में कुछ जानने की इच्छा है। आज दैवयोग से मिल गए हो, मेरे मन में कुछ जानने की इच्छा है। और जो भी विद्वान आता है सीधे सम्राट के पास चला जाता है। हम पहरेदार हैं, हम यहां पर विराज बैठे हुए हैं भाला लिए हुए, तो हमको कब मौका मिलेगा? आज मेरे भाग से आप मिल गए हो तो मैं आज आपसे पूछ लूं, आप मेरे मन का समाधान कर दीजिए। सुखदेव जी ने कहा पूछ ले भाई। अब ये महापुरुषों को जहां कोई कोई ज्ञान की बात पूछता है वहीं अच्छा लगने लगता है। पूछ पूछ। पहरेदार ने कहा, अब उनको महाराज को बिठा दिया, सुखदेव जी बैठ गए। पहरेदार ने कहा महाराज प्रतिहार उवाच, किम सुखम दुजम किम दुखम किम कार्य शुभमिच्छता का शत्रु हृत कर्ता को ब्रूहि सर्वम ममाद्य वै। हे भगवान, हे महाराज, आप बताइए सुख का स्वरूप क्या है, दुख का स्वरूप क्या है? सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं? सुख दुख, शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है, कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी पहचान कैसे करें? भगवान आप हमको बताइए, शत्रु मित्र की पहचान कैसे करें, शुभ अशुभ की पहचान कैसे करें, सुख दुख को कैसे पहचाने, यही प्रश्न है। सुखदेव भगवान उस पहरेदार को उत्तर देते हैं। तीन श्लोक में उत्तर है। मैं उत्तर हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, हाँ हिंदी में उत्तर पढ़ देता हूं, हिंदी में है ना, हिंदी में, हिंदी तो सबको समझ में आता है ना, कि संस्कृत बोलूं, हिंदी ना, अब ना समझ में आए तो बोलना मत, फिर बाद में मैं पढ़ देता हूं हिंदी में जो लिखा हुआ है, हाँ जो लिखा हुआ है पढ़ देता, जो उत्तर दिया है सुखदेव जी ने, और दरबान समझ गया तो उसके बाद फिर उसने अंदर भेज दिया था। मैं हिंदी पढ़ देता हूं। सुखदेव जी बोले, हे प्रतिहारी, प्रतिहार बदरवान, सभी लोकों में सर्वत्र द्वैबद्ध रहता है, दो दो रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी, उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं, उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात अज्ञात एवं मध्यम, रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख एवं चतुर, चतुर भी दो प्रकार के होते हैं, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित, इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। उसने कहा महाराज आप जाइए। समझ में आ गया ना, हिंदी बोला था मैंने, एक भी शब्द संस्कृत का नहीं बोला था मैंने। भाई अपने आप शास्त्र पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, आप इसमें संस्कृत नहीं हिंदी वाला पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे ना, जो इसमें लिखा यही तो पढ़ोगे ना, और ना समझ में आवे तो फिर
फिर तो अब हमारे पास आना पड़ेगा, कोई और महात्मा के पास जाना पड़ेगा, यही तो ना, क्योंकि समुझे खग खग ही कई भाषा, संत की भाषा संत समझते हैं। जो सुखदेव जी ने उत्तर दिया उससे पहरेदार, अभी मैं उत्तर समझाने नहीं जा रहा हूं, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है आज, आज हमको पूरा स्कंध कई पढ़ाना है। तो अब उसके बाद फिर द्वारपाल ने जो भी उसने कहा था, और सही बात कहूं तो एक बार तो द्वारपाल ने भी कहा महाराज पूरा समझ नहीं पाए पूरा नहीं समझ पाए, लेकिन आप अंदर जाइए। अब वहां से अंदर पहुंचे, जब अंदर पहुंचे तो अब सम्राट जनक को सारी सूचना मिल रही है कि एक विद्वान बालक आया है। उनका 7 दरवाजे हैं, पहले दरवाजे से अंदर आए, उन्होंने अपना कोई विशेष सेवक को कहा जाओ उस विप्र को बढ़िया व्यवस्था कर दो। अब मैं सरल भाषा में थोड़ा आपको बता दूं, 6 प्रश्न था ना, सुख क्या है और दुख क्या है, शुभ क्या है और अशुभ क्या है, शुभ मित्र कौन है, और ये 6 प्रश्न थे। तो मन के अनुसार हो जावे तो इसी का नाम सुख है, हमारे मन के अनुसार सब होवे तो इसी का नाम सुख है, ठीक है, और मन के अनुसार ना होवे तो इसी का नाम दुख है। कितना आसान सी बात है, कहां कठिन है। शास्त्र के अनुसार अगर कोई कार्य होवे तो शुभ है, भले कठिन होवे, और शास्त्र के विरुद्ध होवे तो वह कर्म अशुभ है, ठीक है, समझ में आ गया। जीव को परमात्मा से जोड़ने के मार्ग पर जो ले चले वही वास्तव में मित्र है, और जीव को परमेश्वर से जो दूर करे वही शत्रु है, बस इतनी पहचान होगी। भागवत में तो लिखा वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, गुरु न सास्यात् स्वजनो न स्यास्यात्, जो परमात्मा से मिलने में बाधा पैदा करे, ये भागवत जी में ऐसा वचन आया। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुतो हुई। आप शत्रु मित्रों का पहचान ऐसे नहीं कर पाओगे कि इसने हमारा जो है इतना मेड़ काट लिया तो शत्रु है, हम उससे नहीं मानते। जो आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलने से रोके शास्त्र कहता है वो आपका असली शत्रु है, और जो आपको परमात्मा की तरफ ले चलता है वही वास्तव में आपका मित्र है, भले इस जगत में हमको तकलीफ दिखाई पड़े, शास्त्र के हिसाब से तो यही बात है। अब अंदर रहने लगे, कुछ और लोग सेवा करने लगे, उनके साथ भी उनकी चर्चा होती है। तम मुहूर्ताद उपागत्य राज्ञो अमात्य कृतांजलि, राज्ञो अमात्य, अमात्य माने उनके मंत्री आए एक जगह पर, अंदर स्थान दे दिया, महाराज रहिए आप, क्योंकि आप ज्ञान के लिए आए हुए तो आपको सम्राट जनक जरूर ज्ञान देंगे। अब महाराज राजा जनक मिले ही नहीं उनसे वहां, अब एक दिन दो दिन रहे जो भी रहे हों, उनकी सेवा हो रही, फल फूल मिल रहा है, खाने को रहने की व्यवस्था हो गई। कुछ दिन के बाद में राजा जनक ने पूछा होगा अपने मंत्री से, वो बालक चला गया कि है, बताया नहीं है, है। उनका और अंदर ले आओ, अब तीसरे दरवाजे से प्रवेश कराया गया, फिर और अंदर, ऐसे इंतजार, भाई ज्ञान चाहिए तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जितनी श्रेष्ठ चीज होती है एक दिन अचानक नहीं मिल जाती। अभी वहाँ बंगलौर में ही घटना है, लोगों ने ब्रह्म कमल लगाया गमले में, ब्रह्म कमल होता है केदारनाथ के ऊपर 15,000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ में, तो वहाँ बंगलौर में ब्रह्म कमल लगाया और उसकी फोटो जो है लेकर के हमको दिखाया वीडियो, तो जिसके घर में रुके थे वो भी गमले में लगाए थे। हाँ, तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी एक ही दिन फूल खिलता है, एक ही दिन फूल खिलता है, रात में खिलता है, जिसने वीडियो बनाया वो रोज रात भर बैठा रहता था कैमरा लेकर के, खिलते खिलते बनाया फूल को। और हमारा गुड़हल का फूल कनेर का फूल तो थोक में खिलता रहता है,
कोई कदर ही नहीं होती। महाराज उस फूल को हमने देखा, वीडियो देखा, उस पेड़ को हमने प्रणाम किया, कहां पहाड़ का पेड़ यहां लगाए हो। तो जो कीमती चीज होती है अचानक जल्दी नहीं मिलती। मौक्तिकम नहीं गजे गजे, हर पर्वत पर मणि नहीं है, हर हाथी के ऊपर मुक्ता नहीं होती। ज्ञान चाहिए तो बहुत धैर्य चाहिए। परीक्षा करते करते सातवें दरवाजे के पास आए, सम्राट जनक ने अपनी पत्नी आदि सुनैना उनकी दासियों को लगा दिया, तुम सेवा करना उनको एक एक करके। फिर उनके परिवार के लोग सारे के सारे सेवा करते। ततो अंतापुर वासिना तस्या अंतापुर कानन, अंतापुर का कानन, अंतापुर का कानन माने भीतर का राजमहल का जो बगीचा है, बहुत व्यक्तिगत बगीचा, ऐसे सम्राट जनक का अंतापुर का कानन है। अंतापुर कानन वहां पर एक छोटा सा है महल, वहां पे लाके रखा। अंतापुर वासिना, अंतापुर की जो रानियां हैं उनको सबको लगा दिया। साजुआ रूपवान कांतो मृदुभाषी मनोरमा, कैसी कैसी हैं वहां पर सेवा करने के लिए। साजुआ रूपवान कांतो मृदुभाषी मनोरमा, ऐसे सबको लगा दिया सब सेवा करना। सब सेवा करते हैं, किसी से उन्होंने वाद विवाद नहीं किया। सुखदेव जी ने किसी को कटुवचन भी नहीं बोला, जो मिल गया सो भोजन कर लिया, अपना ध्यान में रमण रहे, ठीक है। चाहे जंगल में रहें चाहे महल में रहें, वाह वाह रे मौज फकीर आदि, ये संतों की मौज है अपनी महिमा में। और एक एक स्नात्वा प्रातः क्रिया कृत्वा पुनरास्ते समाहिता। स्नात्वा सवेरे स्नान करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, वो दासियां ले आती हैं फल फूल, वो सब खा लेते हैं, मना भी नहीं करते, खा लिया, खा के फिर ध्यान करते अपनी मौज में। सम्राट जनक को सब सूचना मिल रही, वो मन में सोचते ये तो ब्रह्मवेत्ता है, ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण है, ये तत्वज्ञानी के लक्षण है, जीवन मुक्त महापुरुष के। फिर एक दिन महाराज जनक और सुखदेव जी का फिर मिलन हुआ। हम यही सुनाना चाह रहे थे। सुखदेव जी महाराज को जनक जी ने आसन दिया, स्वयं बैठे। अब यहां पर देखना, सुखदेव जी महाराज व्यास के पुत्र हैं, सम्राट जनक क्षत्रिय हैं, दोनों का आमना सामना हुआ। पप्रच्छ कुशलम गामचा विनिवेद पयस्विनी सचताम नृप्र पूजाम वही। राजा ने उनकी पूजा किया, पूजा करके उनको गाय दिया दक्षिणा में, इस गौ को आप ले जाइए अपने आश्रम में। सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तब सुखदेव जी ने कहा हम आपके पास गाय धान इस हेतु से नहीं आए थे, हमको इसको बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया दो प्रकार का वित्त होता है, दैव वित्त मानुष वित्त, दैव वित्त और मानुष वित्त। वो दालक से कहा था दैव वित्त नहीं मानुष वित्त मांग लो, तुम जो चाहिए मानुष माने मनुष्यों को जो प्रिय है। जब संतुष्ट हो गए तब राजा जनक ने पूछा आप किस लिए पधारे हो, किस लिए पधारे हो मेरे पास में। जब पूछा है कि किस लिए पधारे हो, किम निमित्तम महाभाग, देखो ये प्रश्न है, किम निमित्तम महाभाग निष्प्रिहस्य च माम प्रति जातम ही आगमनम ब्रूहि कार्यम तन मुनिषत्तम। हे मुनिषत्तम, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप तो निष्प्रिय हो, कुछ भीतर चाही नहीं है, फिर क्यों आए हो मेरे पास। आगमनम अपने आने का कारण बताओ। तब सुखदेव जी ने सारा कुछ बताया, मैं व्यास जी का पुत्र हूं और मैं ऐसे ऐसे वेदाध्ययन करके वहां से आया, और अब आकर के जब अपने पर्ण कुटी में आया तो हमारे पिताजी ने गृहस्थ आश्रम उत्तमा, उन्होंने कहा गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, तुम शादी करो विवाह करो। माया ना अंगीकृतम वाक्यम, मैंने अपने पिता का वचन नहीं माना, मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, हमको बंधन प्रिय नहीं। ना बंधो, और हमारे और पिताजी के बीच में थोड़ा सा संवाद हुआ, पिताजी ने हमको समझाया और मैंने उस बात को नहीं समझा,
इति संदिग्ध मन सम्मत्वा, जब मेरे मन में संदेह हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा कि जाइए और जाकर के मिथिला के विदेह राज जनक से आप निर्णय करा लो कि हमको गृहस्थ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूं, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ या संन्यास, त्याग का मार्ग पकड़ूं या प्रवृत्ति का, कौन सा मार्ग पकड़ूं। वैसे आप लोग सब लोग फटाफट कह दो कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ, क्योंकि महात्मा भी रोटी चाहिए तो आएगा कहां पर, गृहस्थ में। हमने कई बार शायद समझाया होगा, गृहस्थ और गृहस्थ आश्रम दो शब्द कर लो। घर में रहने वाले को हम कहते हैं गृहस्थ, घर की मालकिन को हम कहते हैं गृहिणी, गृहिणी है अंग्रेजी भाषा में, बहुत बढ़िया नाम है। क्या काम करती हो, बोले हाउसवाइफ, घर संभालती, हर घर संभालती है, नौकरी नहीं करती, कोई काम नहीं, क्या घर संभालती है, हाउसवाइफ, गृहिणी, घर की मालकिन गृहिणी, घर में रहने वाला गृहस्थ। हमारे पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, आप गृहस्थ हो, मन में कामनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी परमात्मा ही मिल जाए ये भाव नहीं है तो गृहस्थ है। जिस दिन गृहस्थ में रहते हुए आश्रम का भाव आ जावे, हम परमात्मा को चाहते हैं, हम परमेश्वर की प्राप्ति के लिए इस जीवन में आए हैं, इस शरीर का धारण ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, घर में रहते हुए अगर परमात्मा को पाने का दृढ़ लगन हो जाए तो समझना गृहस्थ आश्रम हुआ। तो गृहस्थी श्रेष्ठ नहीं है, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, समझ में आना चाहिए। गृहस्थी नहीं श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम। अब किसी से कहो चलो सत्संग में, तो कहेगा यहां मरने को फुर्सत नहीं, तुम सत्संग की बात कर रहे हो, जहर खाने का फुर्सत नहीं, सत्संग में चले, तुम्ही को बड़ा टाइम है, जाओ। मतलब क्या, हम घर में रहेंगे, दुकान पर बैठेंगे, खेत में काम करेंगे, हमको सत्संग आज से लेना देना नहीं, तो वो भी गृहस्थ में है, वो श्रेष्ठ नहीं कहा गया। हाँ, कौन, सुदामा भी गृहस्थ थे, वो श्रेष्ठ हैं, अत्रि ऋषि गृहस्थ हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं, उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, वो श्रेष्ठ हैं। गृहस्थ में रहते हुए अगर भगवत दृष्टि पर ध्यान है तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना। इस व्यास भगवान का वो जो कहना था, जनक महाराज ने उसी बात को लेकर के सुखदेव जी के सामने रखा, श्रुणु विप्रेण, हे ब्राह्मण के बालक सुनो, मोक्ष मार्ग आश्रितेन यति, जिसको मोक्ष का मार्ग पसंद है वो सबसे पहले यज्ञोपवीत करावे, यज्ञोपवीत करा के गुरु जी के पास जावे, वेद अभ्यासाय वही गिरो, वहां जाकर के वेद वेद वेदांक का अध्ययन करे, उसके बाद समावृत्तस्तु गृहस्थे लौट करके आवे, उसके बाद जब लौट करके आवे तो उसके बाद फिर विवाह करे, विवाह करे, लेकिन विवाह करके केवल विवाह ही न करे, नित्य प्रति अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वाणा सत्य वाक सुचि, सत्य बोले, प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, न्याय वृत्तिस्तु संतोषी, न्याय पूर्वक वो परिश्रम करके कमा के ले आवे, संतोष का पालन करे, धीरे धीरे जब उसका जीवन ठीक हो जावे, पुत्र पौत्रम समासाध्य, पुत्र पौत्र आज हो जावे, उनका विवाह आदि हो जावे, तो बानप्रस्थ आश्रमे वसेत, तो बानप्रस्थी हो जावे। एक दिन कौन चलेगा बानप्रस्थ में, कोई नहीं ना, वैसे जो जो 50 साल के हैं सबको बानप्रस्थी होना चाहिए, नहीं होते बानप्रस्थ। देखो, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में, दूसरे से तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में जावे, जनक महाराज कह रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम से फिर जावे बानप्रस्थी में, उसके बाद फिर जो और आगे बढ़ गया तो विरक्तस्य अधिकारो अस्ति संन्यासे नान्यथा, और आगे बढ़ गया, मन उसका शुद्ध हो गया, तब उसको फिर अब संन्यास लेना चाहिए, इस तरीके से क्रम से चलना चाहिए। और ब्रह्मचर्य आश्रम से अगर कोई बहुत विरक्त है, पूरी तरह से विरक्त है, तब वह सन्यास ले सकता है,
पूरी तरह से कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में भी विरक्त है तो सन्यास ले सकता है। विरक्तस्य अधिकारो अस्ति सन्यासे न अन्यथा कुचित वेद वाक्यम इदम तथ्यम न अन्यथा इति मतिर मम। ये वेद का वचन है, इस यही मेरी मति है, यही मैं पक्का करके कहता हूं। साधारण मनुष्य को तो क्रम से जाना चाहिए और कोई विशेष होवे, बहुत विरक्त होवे तो उसको फिर त्याग के मार्ग पर जाना चाहिए। आश्रमाद आश्रमम गच्छेत इति शिष्टानुशासनम, यही सत्पुरुषों का दिया हुआ वचन है। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा जिसके हृदय में वैराग्य और विवेक पैदा हो गया, चित्त में विवेक वैराग्य पैदा हो गया, फिर वो गृहस्थ में क्यों जावे? तो जनक महाराज कहते हैं कितना वैराग्य है उसकी भी एक सीमा होती है ना, एक आना, दो आना, चार आना, आठ आना, वैराग्य का भी तो एक होता है ना। आप सबके भीतर थोड़ा वैराग्य है, थोड़ा तो है वैराग्य कि नहीं है? बिल्कुल है वैराग्य। आरती हो जावे, आरती की थाली आवे तो उसमें सोचते हैं वो वाला रुपया चढ़ाओ जो चले ना। तो इतना तो है ना, एक रुपया तो चढ़ा दिया ना, एक रुपया तो चढ़ा दिया, भले खोटे सिक्का सही चढ़ा तो दिया ना, उतना ही वैराग्य है। किसी ने कहा नहीं नहीं 5 रुपया चढ़ाएंगे, वैसे 5 की नोट दिखाई नहीं पड़ती शायद, 5 रुपया चढ़ा दिया, किसी ने 10 रुपया चढ़ा दिया। तो एक एक सीमा है ना, किसी का इतना त्याग है, किसी का इतना त्याग है, कोई ज्यादा त्याग करता है, सबके हृदय का भाव अलग अलग है। तुम्हारे भीतर कितना वैराग्य है, आगे देखना। भोजन इच्छाम सुखे इच्छाम च सैया इच्छाम आत्मजस्य च यति भूत्वा कथम कुर्यात् विकारे समुपस्थिते। बहुत थोड़ा सा ऐसी बात यहाँ पर कही है। हमारे गुरु भाई हम साथ में बहुत रहते थे, बहुत उनका मन थोड़ा विरक्ति वाले में ज़्यादा रहता था, विरक्ति वाले में आश्रम क्या करना बना करके, आश्रम बना करके क्या होगा, ये अमुक क्या होगा, अमुक क्या होगा, प्रपंच में फंस गए ये सब। लेकिन महाराज उनको भी जब आश्रम में भी रहते थे तो चाय बनाना हो तो चाय ऐसे ही बनाना चाहिए, चाय भी बनाने के लिए जो आश्रम में चाय बन जाए वो पसंद नहीं आती थी, तो समझाते थे ऐसी चाय बनाओ, और कभी कभी कहते थे चलो हम बना के दिखाते हैं। चाय अपनी पसंद वाली चाहिए, रोटी अपनी पसंद वाली चाहिए, ऐसी रोटी नहीं चाहिए। हाँ फिर हम ए वाली दाल नहीं खाते, ए वाली दाल खाते हैं। रहने के लिए कमरा भी कम से कम ठीक ठाक चाहिए, कमरा भी ठीक ठाक चाहिए। हाँ जब आपको रहने के लिए कमरा भी ठीक से चाहिए, अटैच्ड बाथरूम वाला हो गए, भोजन की सामग्री भी ठीक ठाक चाहिए, तो अभी पूरी तरह से वैराग्य कहाँ हुआ? वो तो ये था कि जो मिल जाए सो खा लो, संतत तो था कि जो मिल गया सो भगवान का प्रसाद है खा लो, यदृच्छया लाभ संतुष्टा। लेकिन आपको अभी आप लगता है ये हमारे अनुकूल है, ये अनुकूल नहीं है, तो फिर आप फिर विरक्त की बात क्या करते? उस बात को जनक महाराज ने यहां पर बिल्कुल स्विच भोया। भोजन इच्छा, भोजन की इच्छा होगी कि नहीं आपको? सुखेच्छा, सुख पूर्वक सुख की इच्छा होगी कि नहीं? सैया इच्छा, शाम हो गई तो थोड़ा सोने का बिस्तर भी तो ठीक ठाक चाहिए। इस जब इतनी भी इच्छा है तो यति भूत्वा कथम कुर्यात्, त्याग के मार्ग पे चले जाओगे तो ये कैसे करोगे? अभी तो तुमको फल चाहिए और ये रस वाला ही फल चाहिए। आम खाना है, कौन सा आम खाना है? मीठा वाला दशहरी, दशहरी खाना है। हाँ देसी वाला नहीं खाना, लो तो अभी तो आपके मन में इच्छा है तो अभी कैसे यति बनोगे? यतिर भूत्वा कथम कुर्यात् दुर्जरम वासना जालम न शांतिम उपयात। मन के भीतर अगर इच्छाएं हैं तो फिर आप अभी उसके लिए इतने पात्र नहीं हो। अपने मन को देखो, स्वयं के मन को विचार करो सुखदेव,
अगर मन में चाह है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, तो फिर आप वैसी व्यवस्था कर लो, एक पणकुटी बना लो, ऋषि लोग रहते थे। और बिल्कुल कोई इच्छा ना हो, अब आप जा सकते हो त्याग में। अभी अभी आपके मन में तो थोड़ी बहुत इच्छा है ना, आप समझना, कोशिश करना। जनक महाराज का जो उत्तर है, जनक महाराज का एक उत्तर ये सीधे स्विच भोया है। जब आपके मन में विवेक वैराग्य हो गया था, बृहस्पति देवता के गुरुकुल में पढ़ करके विवेक वैराग्य हो गया था और आप समझ गए थे कि मैं सन्यास के त्याग के लायक हो, तो आप व्यास जी के पास गए ही क्यों थे? क्यों गए पिताजी के पास? वहीं से निकल जाते ना। लिखा हुआ है ना, श्रुति ने कहा है ना, यद अहरेव ब्रजेत तद अहरेव प्रव्रजेत गृहात्वा बनात्वा। जिस क्षण वैराग्य हो जाए और उठ करके चल पड़ो, उठ तो चले अवधूत, आप पिताजी के पास क्यों गए? इसका मतलब चित्त में ममता तो तुम्हारे थी। ये शास्त्रार्थ है, विद्वानों का, दो ज्ञानियों का बहुत बुद्धि लगाना, तो क्यों गए आप उनके पास में? इसका मतलब कहीं ममत तो है, कहीं थोड़ी पणकुटी भी बनी बनाई मिल जाए, पिताजी का पोथी आद भी मिल जावे, सब तो चाहिए, तो इसलिए गृहस्थी में तुम जाओ, इसलिए जाओ। सबका सब बहुत बढ़िया शास्त्रार्थ हुआ। फिर उसके बाद जनक महाराज ने उपदेश दिया, पाश्याहम राज्य संस्थोपि जीवन मुक्तो यथा न। हे बालक, देखो मुझको ही देखो, पाश्याहम, मैं राजा हूं, राज सिंहासन पर बैठता हूं, जीवन मुक्त हूं, मुझको किसी से कोई कामना नहीं है। भुंजानो विविधान भोगान, तमाम तरह के भोग का भोग भी करता हूं, फिर भी मैं जीवन मुक्त हूं। बालक, ना देहो न च जीवात्मा ना इंद्रियाणि परंतप, ये देह भी बंधन नहीं है, इंद्रियां भी बंधन नहीं है, मन भी बंधन नहीं है। असल में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यहां पर ये है, वैसे ये उपनिषद का मंत्र है, एक आधी लाइन यहां पर भी है, आधी लाइन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। हम आपको साफ साफ कहते हैं पुत्र, इस संसार में थोड़ा आता जाता रहता है, सब कुछ अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति। अब जब ऐसा सब समझाया तो सुखदेव जी ने कहा, फिर सुखदेव अब शास्त्रार्थ शुरू किया। आप जीवन मुक्त तो हो नहीं सकते हो, अब सीधे सीधे अटैक किया है, क्यों? माया मध्य वर्तमाना सा कथम निष्प्रिय हो भवेत। आप इस घोर माया के बीच में बैठे हो, राजमहल है, दास दासियां हैं, वैभव हैं, इन सब के बीच में जीवन मुक्त कैसे हो गए? बहुत संदेह हो गया मुझको। हाँ, शास्त्र का ज्ञान अगर हो, त्यजते ना मनोमोहम सा कथम चेतनरा। अगर सब कुछ त्याग नहीं सकते हो तो आप मुक्त कैसे हो? यहां पांच हेतु दिया है। राजन, आपके भीतर धन और बढ़ाने की इच्छा होती है कि नहीं? खजाना बढ़े, वित्तैषणा नतेषांता तथा राज सुखैषणा। अगर आपके मन में यह होता है कि हमारा राजकोष बढ़े, हमारे नगर की सीमा बढ़े, तो अभी तुम जीवन मुक्त कैसे हो? राजन, जब आप सिंहासन पर बैठते हो, आपके सामने दो लोग लाए गए, सेवक लोग लाए, एक चोर था और एक कोई सज्जन पुरुष था, तो आप चोर को चोर समझोगे कि नहीं? चौरे से चोर बुद्धिस्तु साध बुद्धिस्तु ताप से, चोर को चोर समझ के दंड दोगे और तपस्वी को तपस्वी समझ के पुरस्कार दोगे कि नहीं? तो आपके भीतर भेद बुद्धि हो गई कि नहीं? और जब भेद बुद्धि है तो आप ज्ञानी जीवन मुक्त कैसे? राजन, जब आप भोजन करने बैठते हो, सीधे सीधे आक्रमण है राजा के ऊपर, जब आप भोजन करने बैठते हो तो काटु तीक्ष्ण कसाय अम्ल रसान वेद से सुभाषुभान सुभे तुरमते चित्तम ना सुभे सुतथान। राजन, आपको एक लगता ना, ये कड़वा है, ये तीखा है, ये कसैला है, ये खट्टा है, आंवले की चटनी है, खा लो बड़ा बढ़िया, भेद लगता है कि नहीं सबको? सारा भोजन एक जैसे लगता है?
सवेरे पकौड़े मिले तो हम लोग बड़े खुश हो गए। मिला था पकौड़ा, जो जो थे पकौड़ा मिला होगा ना, पकौड़ा अलग चटनी थी ना, फिर उसके साथ चाय भी थी कि नहीं, मीठी थी, चाय में मीठापन अलग, हाँ चटनी में तीखापन अलग, भेद दिखाई पड़ा ना, अलग अलग दिखाई, समझ में आया ना। अरे कथम नृपा राजन, जब ऐसा आपको भेद दिखाई पड़ता है तो कहाँ कैसे तुम जीवन मुक्त हो गए? क्या महाराज जो है भेद दिखाना आपको? फिर राजन जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्तु तव राजन भवंती, राजन तुम भी सोते भी होंगे, जगते भी हो, सपना भी देखते होंगे, जब एक से दूसरे में डामाडोल होते रहते हो, जग रहे हो, सपना देखते हो, तो सपने में कभी डरते भी होगे, सपने में कभी शत्रु से हार भी जाते होगे, तुम कैसे मुक्त होगे? तुम जीवन मुक्त तो हो नहीं। अब सीधे सीधे, क्योंकि राजा जनक ने कह दिया था ना गृहस्थ में जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, हाँ उनके, तो उन्होंने कहा तुम सीधे कहा तुम जीवन मुक्त तो हो ही नहीं, मैं तो बस पता नहीं कहाँ से पिताजी ने हमको भेज दिया, मैं फंस गया, इतनी दूर चल करके आया, कहाँ तो आपके पास पहुंच गया, आप ज्ञानी वानी भी नहीं हो आपका नाम विदेहराज रख दिया गया है ना, आपको विदेहराज कह दिया है ना, विदेहराज कैसे कह दिया है? तव वंशोद्भवा ये श्रुता पूर्वे मया नृपा, विदेहा इत व्याख्याता विख्याता नामतः कर्मतो नति। तुम्हारा वंश चला एक राजा निमि से, उनको विदेह राज कहा था, तो जो, जो तुम्हारे यहाँ पर राजा बना सब विदेह राज कहलाए गए, ये केवल नाम है, विदेह इति विख्याता, केवल नाम के विदेह हो, अंदर कोई विदेह का गुण उण नहीं। ये कैसे केवल नाम का कैसे होता है? बोले देखो दृष्टांत देके समझाते, ये पंचांग से प्रतिज्ञा हेतु तो दृष्टांत उपनय निगमन करते हैं कैसे नाम का? विद्याधरो यथा मूर्खो जन्मांधस्तु दिवाकरा, लक्ष्मी धरो दरिद्रश्च नाम ते साम निरर्थकम्। मैंने नाम पढ़ दिया, नहीं समझ में आया? ऐसे ऐसे लोगों ने श्लोक बना रखा है, वज्र मूर्ख है, विद्याधरो यथा मूर्खो, वज्र मूर्ख है, अकल धेले भर की नहीं। नाम क्या है इसका? बोले विद्याधर, विद्याधर माने बहुत, सब ज्ञानी ध्यानी है। क्या बात है बताओ, दोनों आंख से दिखाई नहीं पड़ता, सूरदास हैं, किसी ने पूछा नाम क्या है, बोले दिवाकर, दिवाकर दिवाकर माने सूर्य, दिन को करने वाले, दिन कौन करते? सूर्य देवता। बताओ हाथ धो गई, हाँ। वो है ना क्या, अब इस पर चुटकुला है ढेर सारे, संत लोग सुनाते हैं, चार आदमी लेके जा रहे थे कंधे पर, किसी ने पूछा कौन मर गया, बोले अमर सिंह मर गए मर कौन गए, कौन थे, नाम क्या हो गया? अमर सिंह। और हो क्या गया वो? अमर सिंह मर गए, बताओ। तो नाम का क्या? सुखदेव जी ने कहा आपका नाम विदेहराज ऐसे रख दिया गया है गुण नहीं, नामता कर्म तो नाते, कोई गुण नहीं आप में जीवन मुक्ति का, क्योंकि आपके भीतर भेद बुद्धि होगा, चोर को दंड देते हो, अच्छे लोगों को पुरस्कार देते हो, खाने में भेद बुद्धि है, और जब तक मृत्यु समृत्यु आपनोति या इह नानेव पश्यति, जो यहाँ भेद बुद्धि वाला होता है वो अभी मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा। ये हमने पढ़ा है गुरुकुल में, बहुत सीधे बहुत कड़वा अटैक किया है, बहुत कड़वा अटैक किया है। और जब जनक महाराज को ऐसा बोला कि मतलब कहने का मतलब कि आप, हाँ जैसे हमारे पिताजी का ज्ञान हमारे काम का नहीं था, तुम्हारा ज्ञान भी हमारे काम का नहीं था, क्योंकि बस केवल तुम नामे की विदेह राज हो और कुछ हो नहीं। उन्होंने कह दिया था ना ऐसे क्रम से जाओ ब्रह्मचारी से गृहस्थ में, वो सब बता दिया था। तो जनक महाराज ने कुछ बिल्कुल शांत बैठे रहे। जनक उवाच सत्यम उक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचिद इतम मतम।
हे विद्वान ब्राह्मण के बालक सुखदेव, सत्यम उक्तम, तुमने बहुत सही बात कही। देखो जरा भी भीतर विक्षेप नहीं हुआ, अंदर चोट नहीं लगी है। अंदर चोट लगती होती तो सही बात तो ये है ना कि जिसके भीतर कोई भीतर कमी होती है उसको वो बात कहो तो बड़ा चिलमिलाएगा। नहीं समझ में आ रहा हुँ? अच्छा हमारी आंख ठीक ठाक है, हमारी आंख ठीक ठाक है, हमको दिखाई भी पड़ रहा है, सब लोग बैठे हो, आपकी आंख ठीक ठाक है, आप सड़क पे जा रहे हो और कोई कह दो कि कोई कह देवे अंधे, उतना चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी आंख पूरी ठीक। उसने अंधा बोल दिया, सूरदास बोल दिया, उतनी चोट नहीं लगी। लेकिन अगर आंख में गड़बड़ी हो और उसको सूरदास उसको अंधा बोल दो, फिर देखना, फिर वहां पर कहा जाएगा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम। अगर चोट लगती है तो समझना कि वो चीज भीतर कहीं ना कहीं है। जनक महाराज ने कहा सत्यम उक्तम, सत्य बोला तुमने, कुछ भी झूठ नहीं कहा, कुछ भी झूठ नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरी एक बात है, मैं तुमसे पूछता हूं, थोड़ा बताना। पितु संगम परित्यज तुम वनम गंतुम इच्छसि, पिता का साथ छोड़ के तुम जंगल जाना चाह रहे हो, जंगल में जाओगे तो मृगई सा सुसंबंध हो भविता ते न संशय। क्या जंगल में तुम्हारा संबंध कोई मृगई हिरण आदि से, पशु पक्षियों से तुम संबंध बना लोगे कि नहीं? महात्मा लोग खरगोश पालते हैं, यहां हमको पता लगा माहौली में। हाँ, बताओ महात्मा खरगोश पाले तो उनसे नाता जोड़ लोगे लो? क्या हुआ, सब लोग समझ गए कहा? मृगई सा संबंध, आप उनसे पेड़ लगाओगे तो पेड़ से संबंध जोड़ लोगे, एक पेड़ लगाओगे तो रोज सवेरे सवेरे जाके उसको देखोगे पत्तियां ठीक ठाक हैं, संबंध जोड़ लोगे। तो अच्छा अच्छा सुखदेव ये बताओ, आहारार्थम सदा चिंता, भूख लगेगी तो आपके मन में चिंता होगी कि नहीं, कौन से पेड़ का फल खाऊं, किसके घर पे भिक्षा मांगने जाऊं, भिक्षा हम दे कहां से भिक्षा आई? तो आप तो जंगल में चले जाओगे फिर भी भोजन का ही चिंतन करोगे बार बार ना। अब कोई मान लो वन में हिंसक पशु आ जाएगा आपके सामने, सिंह व्याघ्र आदि आ गया हिंसक पशु, तो आप उसमें परमात्मा को देखोगे कि भागोगे वहां से? भागोगे कि परमात्मा को देखोगे? नहीं, उन्होंने यही कहा था ना, सुखदेव जी ने ऐसे कहा था ना, तुम चोर को चोर करोगे दंड उसको, तो वो कह रहे जंगल में तुम्हारे सामने सिंह व्याघ्र आ गया तो वहां से भागोगे कि उसमें तुम आत्मा को देखोगे? नहीं भागोगे तो तुम्हारा वो कलेवा करेगा तो और क्या, उसका भी भंडारा हो जाएगा। चलो आप बैठे रहो, ए आत्मा है परमात्मा है, वो कहेगा आओ मैं बताता हूं तुमको परमात्मा को। महाराज ज्ञानी भी तो वहां से भागेगा ना, अब इतना बड़ा है वो, बड़ा सा इसका मुंह भी बड़ा है, कल उधर से मैं गया तो उसको ध्यान भी नहीं था, शाम को घूम रहा था तो उधर गया तो उसने भौं से किया तो भागा मैं वहां से, यही आश्रम में पने वहां से भागा उधर से। कौन था साथ में? आप तो थे साथ में है ना, भाव भाव किया भाग खड़ा हुआ मैं। अब आप कह दो आप तो डरते हो तो आप ज्ञानी कैसे हो? भैया तुम डरोगे कि नहीं वहां जंगल में? विकल्पो उपहतस्तम वै दूर देशम उपागता, नव्य विकल्प संदेहो निर्विकल्पो अस्मि सर्वथा। ए जनक महाराज अंतिम प्रसंग है, बस अंतिम प्रसंग है उपदेश का, शास्त्रार्थ का। संशय किसके मन में है बालक? विकल्पो उपहतस्तम, चित्त में संदेह किसके है? मेरे चित्त में संदेह नहीं है, मैं जीवन मुक्त हूं, अपने आनंद में हूं। संशय तो तुम्हारे मन में है, और संशय आत्मा इतनी दूर से काय के लिए आए तुम दो पर्वत लांग के? दो साल में इतनी दूर तक तुम आए ना, मतलब चित्त में तुम्हारे संशय है। तुम्हारे चित्त में क्या संशय है कि मैं तो बंधन में हूं, मुझको मुक्ति पानी है, मुझको त्याग करना है। अरे मैं तो
सुखम स्वपम, मैं सुख पूर्वक सोता हूं, जगता हूं तो सुख से भोजन करता हूं, ना बद्धो अस्मिति, मुझको ना बंधन है ना मुझको मोक्ष की चाह। और तुम, त्वम तू दुखी सदा ये वसी बद्धो अहमिति संकया। ये महाराज जी ने कहा था श्लोक, श्लोक पढ़ के सुनाना, तो फिर हमने पहले कभी सुनाया नहीं था श्लोक, श्लोक से बस। तुम तू दुखी सदा, तुम तो हमेशा दुखी रहोगे क्योंकि तुम्हारे मन में ऐसा है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं। अरे मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती सत्येयम् यामति सा गतिर्भवेत्। जो मुक्त समझता है मुक्त है, जो बंधन में समझता है बंधन में है। तुम इस चित्त की वृत्ति को हटा दो कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं, इस वृत्ति को हटा दो, इसी क्षण तुम मुक्त हो। चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे महल में रहो और चाहे भिक्षा मांग करके जीवन जियो, अपनी चित्त वृत्ति में देखो तुम्हारे भीतर जो बंधन का भाव है वो तुम्हारा जड़ है, तुम्हारे भीतर निष्प्रियता है, तुम योग्य हो, लायक हो। अपने चित्त से इस संसार की वृत्ति को क्यों नहीं निकाल फेंकते? बहुत बढ़िया उपदेश दिया। हाँ, जैसा समझोगे वैसे बन जाओगे तुम अपने आप को। तुम हो ज्ञानी, अंतिम बात है जनक मां, तुम हो ज्ञानी, तुम हो विद्वान, लक्षण सारे वही हैं तुम्हारे भीतर, लेकिन तुमने अपने आप को मान रखा है कि मैं बंधन में हूं, मुझको अभी मुक्ति पाना है, यही तुम्हारा बंधन है। और जो जीवन मुक्त है कहीं भी रहे, कहीं भी रहे वो मुक्त है। जाओ वहां से। आप समझ में आया? इनको पूरा का पूरा एक तरीके से एक झटका लगा जनक महाराज का स्वभाव देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनके उपदेश को देख करके। आया तो मैं था इतनी दूर से, मुझको दुख है कि मैं कह रहा हूं ना कि मैं बंधन में हूं, ये तो अपने आनंद में है। तब उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके वहां से चल पड़ते हैं और चल करके पिताजी के पास आए। पिताजी से सुखदेव जी ने कहा, आप जो करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, अब मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। कौन जीता कौन हारा? तो आपने भेद बना लिया ना, दो भेद, जैसे बार बार कहा था, जैसे खट्टा है मीठा है तकईर, चोर है मित्र, तो आपने भेद बना लिया कि कोई जीता और कोई, भेद बन गया ना, यही संसार है, यही संसार, भेद क्यों बनाना? अरे ना कोई जीता ना कोई हारा, असल में ना कोई जीता ना कोई हारा, बस उनके मन का संशय मिट गया। आप समझो, मन का संदेह मिट गया, संशय सर्प ग्रसे उर कार्य, संशय मिट गया, बस जीत हार की तो बात ही नहीं है। सुखदेव जी का फिर आप उसके बाद ढूंढना शुरू कर दिए व्यास भगवान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब कोई लड़की ढूंढो, कन्या ढूंढो, कहां से ढूंढो, पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी, एक पितरों की एक बहुत अच्छी कन्या थी जिसका नाम था पीवरी, बस महाराज उसी के साथ सुखदेव जी का विवाह हो गया। सुखदेव जी की पत्नी का नाम पीवरी, पीवरी नाम सुंदरी। समय बीता, समय के साथ में उनके चार पुत्र हुए और एक कन्या पैदा हुई। सतस्याम जनयामास पुत्रांश चतुर एव ही कृष्णम गौर प्रभम चैव भूरिम देवश्रुतम तथा कन्याम कीर्तिम। चार पुत्रों का नाम लिखा है, कृष्ण गौर प्रभ भूरी देवश्रुत, एक कन्या जिसका नाम कीर्ति रखा। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ चारों पांचों बच्चों का विवाह आदि कर दिया। उसके बाद उनको देवर्षि नारद मिले, देवर्षि नारद ने कहा कि अब तुम जीवन मुक्त का आनंद लो, उनकी आज्ञा को मान करके ज्ञानम परमकम प्राप्य योग मार्गम अनुत्तमम। वो वहां से अब गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके बद्रिका आश्रम की तरफ चले गए, वहां पर माया बीज उपदेशेन, मां भगवती के माया बीज का उपदेश प्राप्त हुआ, अभी आगे आएगा, वो माया बीज है, काम बीज, माया बीज, वाक बीज, तो माया बीज का मंत्र का उपदेश मिलता है, उसका चिंतन करते करते, जाप करते करते, और फिर
उनका ये शरीर जैसे बर्फ है सिल्ली वो गल जाती है, ऐसे ही ये शरीर जब इनका छूटने लगता है आकाश मार्ग से जाने लगते हैं परम शुद्ध होकर के ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, तब व्यास भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि व्यास जी तो चिरंजीवी हैं। हे पुत्र हे पुत्र, वो जो वर्णन पढ़ते इसके बाद हे पुत्र लौट आओ, हे पुत्र लौट आओ। और सुखदेव भगवान का तो सारे जगत में आत्मभाव है, तो उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, व्यास कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, जाओ चले जाओ। इसके बाद का ये वर्णन है, और सुखदेव जी महाराज अपने स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाते हैं। व्यास भगवान वापस आते हैं, उसके बाद फिर व्यास भगवान का आवाहन किया उनकी माता सत्यवती ने। सत्यवती याद है, सत्यवती कहाँ थी? अरे हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर में थी नहीं? उन्होंने आवाहन किया, फिर व्यास भगवान को वहां आना पड़ा। उस समय वहां पर उनके यहाँ पर दो पुत्र वधुएं थीं, वहां पर फिर उनसे धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर का जन्म होता है, फिर उनका परिवार आगे चलता है। आश्चर्यकर्म एतत्ते वचनम गर्वहेतुकम् संदेहो अत्र समुत्पन्ना सर्वेषां नस्तपस्विनम्। पूरा का पूरा यहाँ एक स्कंध में यहाँ पर महाभारत की कथा संक्षेप में है, देवी भागवत में, जो आप लोगों ने सुना है, इसलिए उसको हम बोले वृंदावन बिहारी की। जन्मेजय उवाच भगवन भवता प्रोक्तम यज्ञम अम्बाभिदम सका कथाम समुत्पन्ना कुत्र कस्माचा किम गुणा। श्रीमद देवी भागवत का तीसरा स्कंद शुरू कर रहे हैं। पहले स्कंद में पूरा कथा है, दूसरे स्कंद में महाभारत संक्षेप में है, क्योंकि व्यास जी के माध्यम से ये सारा का सारा पांड धृतराष्ट्र विदुर जो उत्पन्न हुए उनसे क्या क्या हुआ सब वर्णन आ गया है, वो सब जानते हो आप लोग, या कभी मौका मिले तो देवी भागवत उठा के पढ़ लेना। हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्मेजय ने व्यास भगवान से पूछा, भगवान एक बात मेरे मन में जानने की इच्छा है। कहा हाँ पूछो पूछो। जन्मेजय ने कहा प्रभो जितने देवता हैं हमने नाम सुना है, इंद्र का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश का, तमाम तरह के देवता का नाम सुना है, आप बताइए इस सारे जगत की उत्पत्ति करने वाले कौन देवता हैं, ये जगत की उत्पत्ति किससे हुई, सबसे बड़े देवता कौन कौन होंगे बड़े, ब्रह्मा की विष्णु की महेश की इंद्र की कुबेर कि प्रजापति कौन होंगे, किससे संसार की उत्पत्ति हुई। व्यास भगवान ने कहा अरे जो बात तुम पूछ रहे हो ना, एक बार की बात बताऊं, प्रयाग में त्रिवेणी के घाट पर बड़े बड़े वहां पर संत जन एकत्रित हुए, वहां उस सभा में मैं भी था, और वहां पर विचार विमर्श होने लगा, सब देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन, इस सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई। और वहीं पर देवर्षि नारद आ गए, देवर्षि नारद के सामने ये प्रश्न रखा, तो देवर्षि नारद ने कहा अरे ऐसे मेरे मन में प्रश्न आया था एक समय पर कि सारे जगत का मूल कौन है, तो मैं चला गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, मैंने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा, पिताजी बताइए सबसे बड़े तो आप ही होंगे ना, क्योंकि सारे जगत की उत्पत्ति आप ही से होती है, क्या वास्तव में आप ही जगत की उत्पत्ति करने वाले हो। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पुत्र तुमने ऐसी बात पूछी है, एक बार मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बैठे थे तो हम तीनों में भी इस बात पर विचार होने लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में विचार होने लगा कि हम तीनों में कौन इस जगत का मूल है। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र मैं सृष्टि की रचना करने वाला कैसे हो सकता हूं, एकारण वे पुरा जाते नष्टे स्थावर जंगम, जब एक समुद्र में पूरा जल ही जल था उसमें एक कमल का फूल निकला उसके ऊपर मैं प्रकट हुआ, फिर मैं नीचे गया ढूंढने के लिए, हमको दो अक्षर सुनाई पड़ा तापा
तापा दो अक्षर सुनाई पड़ा, ये शब्द है। कमल का फूल पृथ्वी का अंश है, जो जल है वो जल का अंश है, तो पांच महाभूत तो मेरे पहले ही बना हुआ था, मैंने तप किया, मैंने क्या बनाया। अरे मेरे बैठने का आधार तो था ना कमल का फूल, तो मैं सारी सृष्टि का मूल कैसे हो सकता। भगवान विष्णु से पूछा कि अच्छा आप बताइए, भगवान विष्णु ने कहा मैं तो शेषनाग की सैया पर सोता हूं ना। शेषनाग कौन है, जीव है कि नहीं, चेतन है कि नहीं, कहां रहते हैं शेषनाग, क्षीर सागर में जल में रहते हैं कि नहीं, तो माने जीव भी है जल भी है। मैं कहां से सब बनाने वाला हो गया, हमसे पहले तो यही था। तो शंकर जी से पूछा अच्छा आप बताइए सारे जगत की उत्पत्ति करने वाले आप हैं। शंकर जी ने कहा मैं कैसे हो सकता हूं, मैं कहां रहता हूं। भगवान शंकर जी का रहने की जगह कैलाश, इसी पृथ्वी का हिस्सा है कि नहीं, पृथ्वी का हिस्सा है कि नहीं। अच्छा वहां बर्फ पड़ी रहती तो बर्फ में जल है कि नहीं, कैलाश पृथ्वी का हिस्सा है, बर्फ से पड़ा हुआ है तो जल भी है, सारा तो पहले से बना हुआ है, मैं कैसे हो सकता हूं। तीनों देवता ने कहा मैं सृष्टि को बनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमसे पहले ही सृष्टि बनी थी। उन्होंने कहा हमसे पहले ही सृष्टि बनी थी, उन्होंने कहा हमसे पहले ही सृष्टि बनी थी, तो मैं कैसे हूं बनाने वाला। हे नारद, जब हम लोग ऐसा तीनों देवता बैठ के विचार कर रहे थे, जहां पर अचानक एक तरफ से गड़ 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 करता हुआ ध्वनि करता हुआ एक दिव्य विमान हमारे सामने आके खड़ा हो गया, जैसा हमने कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। विष्णु जी ने हमारी तरफ देखा, इसको बनाया क्या तुमने ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा नहीं, हमारे नहीं बनाया, हमको नहीं पता है कहां से आया। शंकर जी की तरफ से पूछा है कौन है, बोले हम भी नहीं जानते। उसमें से दो दासियां निकली, उनको देखते चौंक पड़े, ये कहां से आए। उन्होंने कहा तीनों देवता बैठ जाओ, विमान में बैठो। अब उनसे पूछ भी नहीं पाए, हिम्मत नहीं पड़ी तीनों देवता की, आप हो कहां से आई हो, कहां जाना है। उनका ऐसा रूप, महाराज उचक के जाके बैठ गए तीनों देवता विमान में, डर के मारे जल्दी से आसन लगा था, तीनों देवता विमान बैठ गए, दासियां बैठी और विमान उड़ चला। अब एक से ऊपर, एक बगल से झांकते हैं नीचे, ऐसा वन, ऐसा बगीचा, ऐसा सुंदर सरोवर, ऐसी चीजें देखते देखते, ये कहां से कहां जा रहा है विमान पता नहीं। और विमान चलते 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 एक दिव्य स्थान पर जाके विमान उतरा, अपने आप विमान उतर आया, मन की गति से विमान चलने वाला विमान उतरा। देवियां धड़धड़ से जल्दी से उतरी, तीनों को इशारा किया आइए। तीनों बेचारे चुपचाप डरे डरे से कहां आ गए, ये तो हमारी बनाई सृष्टि में नहीं था। ब्रह्मा चौंक गए, तीनों देवता उतरे, उनको ले जा करके एक जगह पर बिठा दिया गया, यहां बैठिए। वहां एक सिंहासन लगा था, तीनों बैठ गए नीचे। कुछ देर के बाद में वहां स्वयं माँ भगवती पधारती हैं, पराम्बा जगदम्बिका वहां पधारती हैं, बोलिए दुर्गे मैया की जय। वो आके सिंहासन पर बैठ गई, तीनों देवता खड़े होकर की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, भगवान विष्णु ने स्तुति किया, तीनों देवता की हिम्मत नहीं पड़ती कि माँ भगवती से नजर मिला सके। माँ भगवती के चरण नख की तरफ ध्यान है, उनके चरण नख में उनको सब दिखाई पड़ता है, क्या रूप है पता नहीं, कैसी दिख रही हैं, क्योंकि नजर जा ही नहीं रही ना ब्रह्मा की ना विष्णु की ना महेश की, तो उनके रूप का वर्णन नहीं है, उनके रंग का वर्णन नहीं है, उनके कितने हाथ भुजाएं हैं कोई वर्णन नहीं, ऐसा तेजोमय अलौकिक, लौकिक नहीं है अलौकिक दिव्य स्वरूप, उनके चरण नख की तरफ ध्यान है, वहीं से सब। माँ भगवती ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश तुम तीनों देवता समझते हो कि मैं करने वाला हूं, वास्तव में तुम जो सृष्टि रचते हो ब्रह्मा मेरी शक्ति से रचते हो, विष्णु जो तुम पालन करते हो मेरी शक्ति से करते हो, शिव जो तुम संहार प्रलय करते हो मेरी शक्ति से करते हो।
विमानम तन मनोवेगम यत्र स्थानांतरे गतम। घबराओ मत श्री भगवान उवाच। नमो देव्य प्रकृत्यै च विधात्रे सततम नमः। कल्याणे कामदाये च वृद्धे सिद्ध्यै नमो नमः। सच्चिदानंद रूपिण्ये संसारारणये नमः। पंचकृत विधात्रे ते भुवनेश्यै नमो नमः। सर्वाधिष्ठान रूपायै कूटस्थायै नमो नमः। अर्धमात्रार्थ भूतायै हृतलेखायै नमो नमः। तीन देवता फिर मिलकर के स्तुति करने लगे। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। माँ भगवती ने कहा, कोई बात नहीं ब्रह्मा, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा है, आप तुम जाओ और सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का निर्माण का कार्य करो। कैसे? माँ भगवती ने अपने ही स्वरूप से, बिल्कुल अपने ही स्वरूप से एक दिव्य देवी को प्रकट कर दिया, सामने खड़ी हो गई, जिनका पूरा का पूरा श्वेत रंग है, सफेद वस्त्र है, सब कुछ सफेद सफेद है। लो ब्रह्मा, तुम इनको ले लो। श्वेतांबर धराम दिव्याम दिव्य आभूषण भूषिताम, तुम इनको लेकर के इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की रचना करो। इनका नाम है सरस्वती, महासरस्वती, मेरी ही स्वरूपणी है। ब्रह्मा जी महासरस्वती को लेकर के और खुश हो जाते हैं। आप ध्यान रखना, किसी भी चीज का आप निर्माण तब करते हो जब उसका ज्ञान आपकी बुद्धि में पहले होता है। कभी एक कुम्हार घट बनाता है, घड़ा बनाता है, तो घड़े का ज्ञान पहले बुद्धि में है कि नहीं? घड़ा बाद में बनाएगा, बुद्धि में घड़े का ज्ञान पहले है। बिना ज्ञान के कर्म कैसे करेगा? ज्ञान आगे होता है, कर्म पीछे होता है। दवाई लिखोगे तो पहले है ना, कौन सी टेबलेट लिखूं, कौन सा कैप्सूल लिखूं, तब आपने प्रिस्क्रिप्शन पे एक दवाई लिख दिया, इसको खाना। ज्ञान पहले है, क्रिया बाद में है। हाँ, किसी भी उत्पत्ति का क्यों कि नहीं? कैसे तय किया कि इतना फुट ऊंचा मंच रखेंगे? इसका ज्ञान पहले था कि नहीं? इतना फुट ऊंचा मंच रखेंगे, इसका ज्ञान था? तो ज्ञान पहले, बिना ज्ञान के क्रिया हो नहीं सकती जी। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ में महासरस्वती, वो ज्ञान स्वरूपणी, ज्ञान के उपरांत कोई क्रिया होगी तो आपका कर्म श्रेष्ठ होगा, और बिना जाने बूझे करोगे तो फिर जिस डाल पे बैठोगे उसी को शायद, वो भी उस डाल को काटने का भी ज्ञान अगर मूर्ख कालिदास को है तो काटने का भी तो ज्ञान है ना, कि कुल्हाड़ी मारेंगे तो कटेगा, ये ज्ञान तो है ही। बिना ज्ञान के कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, कोई काम नहीं हो सकता। लो महासरस्वती, ब्रह्मा जी ने महासरस्वती को, महा भगवती ने देखते देखते अपने ही शरीर से एक दिव्य स्वरूप फिर से प्रकट किया। विष्णु लो, इनको तुम ले लो, इनका नाम महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, पूरा का पूरा लाल वस्त्र, लाल रंग की दिव्य। महाराज वैसे सबको लक्ष्मी पसंद आती हैं। सरस्वती चाहिए कि लक्ष्मी? सरस्वती की लक्ष्मी, हाँ सरस्वती की लक्ष्मी, बोल नहीं रहे हो कुछ? सुदामा के पास सरस्वती थी, बहुत विद्वान थे, ये चीज नहीं था। हाँ, ओढ़ने पहनने को भी ठीक से नहीं था, चलेगा? सुदामा के पास सरस्वती थी, बहुत विद्वान थे। हाँ, लक्ष्मी कहा जाता है, सरस्वती और लक्ष्मी का आपस में विरोध है, जहां वो रहती है वहां वो नहीं, जहां वो रहते हैं वहां वो नहीं। लेकिन किसी किसी के पास पता नहीं क्यों दोनों आ जाती हैं। हमारे वरुण जी के पास दोनों हैं, सरस्वती भी और रेयर है। अवधेश जी बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलता है। ये महाभारत पूरी पढ़ डाले, हमको कहानी सुनाएंगे महाभारत की, भागवत पूरा पढ़ डाले इस लोग का। लॉकडाउन में आप लोग क्या किए? चुगली, यही किया होगा ना, चुगली किया होगा, मोबाइल पर किया होगा। ये अपना वाल्मीकि रामायण पढ़ डाले, महाभारत पढ़ डाले, भागवत पढ़ डाले, हमारे साथ रह के कठोपनिषद सुना पूरा 4 महीना, योग दर्शन सुनना। सरस्वती लक्ष्मी दोनों अगर हों तब बात तो कुछ नहीं। समझ आ रही बात? हाँ, क्या चाहिए? सरस्वती की लक्ष्मी,
संसार के लोग कहते सब चाहिए सब चाहिए है ना, लक्ष्मी को दे दिया विष्णु जी के पास। अच्छा अब किसी का पालन पोषण करना हो और आपकी जेब में ठन ठन पाल हो तो कैसे पालन पोषण करोगे भाई? भगवान विष्णु का काम है पालन करना। स्टेशन पर पहुंच जाओ, भिखारी बैठा है, आपके दिल में आया दो रोटी खिला दूं और जेब में रुपये ही नहीं है तो कैसे खिलाओगे? पालन पोषण के लिए आपको लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी। भगवान शंकर जी अब डरे डरे से सामने आए, माँ भगवती ने देखा, अपने शरीर से ऐसे किया और एक दिव्य रूप में बिल्कुल सामने प्रकट हो गई। महेश लो इनका नाम महाकाली, ये तुम्हारी शक्ति होगी, इन्हीं के माध्यम से तुम जगत का प्रलय करोगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माँ भगवती ने दिया। अब उसके बाद तीनों हाथ जोड़ करके कहे, अगर हम सृष्टि को बनाएंगे, पालन करेंगे, हम प्रलय करेंगे तो फिर उससे हमको दोष मिलेगा। बनाएंगे तो उसमें कोई गरीब बनेगा, कोई अमीर बनेगा, कोई स्वस्थ अंग वाला बनेगा, कोई बीमार अंग वाला बनेगा, तो हमको पाप लगेगा। भगवान विष्णु कहते हैं जब हम पालन करेंगे तो किसी को अच्छा कहोगा, किसी को खराब होगा तो हमको दोष लगेगा। और शिव कहते हैं प्रलय करने में मारने में तो दोष ही दोष होगा। माँ भगवती ने कहा तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, सबसे मुक्त हो जाओगे, बस मेरा ध्यान करते रहना। मैं तुमको एक मंत्र बता देती हूँ, इस मंत्र का चलते फिरते आप जाप करना, चिंतन करना, और आप जब इस मंत्र का जाप करते रहोगे तो आपको कोई दोष नहीं मिलेगा। कौन सा मंत्र है? नवाक्षरमिमं मंत्रम बीज ध्यान युतम सदा जपन सर्वाणि कार्याणि कुरुत्वं कमलोद्भव। नवाक्षर मंत्र, नवाक्षर मंत्र मैं बोल देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, सबको याद है कि नहीं? ये मंत्र माँ भगवती ने तीनों देवताओं को दिया, जाओ इस मंत्र का जब अनुष्ठान जाप करोगे तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। तीनों देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ भगवती इस मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मंत्र, जैसे मंत्र का अर्थ भी पता हो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। माँ भगवती ने कहा ओम यह तो परब्रह्म परमात्मा का नाम है, ऐं ह्रीं क्लीं यह जो तीन अक्षर है ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र है, वाग बीज, माया बीज, काम बीज, ऐं वाग बीज है, माया बीज ह्रीं, काम बीज क्लीम, चामुंडाये बीच, ये मंत्र का अर्थ बताया। जब व्यास भगवान कथा सुना रहे थे इस मंत्र का अर्थ, तो जनमेजय ने कहा थोड़ा विस्तार में बताओ भगवान, इस मंत्र का कैसे जपें, क्या फायदा होगा मंत्र के जपने से? तो व्यास भगवान ने कहा फिर इस मंत्र का अर्थ तो कल बताएंगे, आज तो इतना कहा। और माँ भगवती ने कहा तीनों जाओ विमान पर बैठो। तीनों देवता विमान पर बैठे, और विमान पर बैठे वैसे विमान फिर से वापस आया। जिस जगह पर माँ भगवती का स्थान था उसका नाम है मणिद्वीप। जैसे भगवान शिव का स्थान कैलाश, भगवान नारायण का स्थान क्षीर सागर या वैकुंठ, वैसे माँ भगवती का दिव्य लोक है मणिद्वीप। मणिद्वीप माँ भगवती का दिव्य स्थान है। वहां से तीनों देवता विमान पे बैठे, वो विमान आया, तीनों को अपने ब्रह्मलोक में उतार दिया, उनको वैकुंठ में उतार दिया, उनको कैलाश में उतार दिया, विमान वहां से चला गया, तीनों देवता अपना अपना काम करने लगे। तब से ब्रह्मा उन्हीं माँ भगवती की शक्ति से बनाते हैं, विष्णु उन्हीं की शक्ति से पालन करते हैं, और शिव जी उन्हीं की शक्ति से संहार करते हैं। महाराज सारे जगत में सबसे ज्यादा कीमती है वो शक्ति, वो ज्ञान की शक्ति, क्रिया की शक्ति। अगर वो सामर्थ्य ना हो तो हम करेंगे क्या? हाँ, हमारे भीतर बोलने की शक्ति है, बुद्धि में समझने की शक्ति है तो सब कीमत है, ना हो तो कुछ नहीं। वो मंत्र का अर्थ, तो मंत्र का अर्थ तो कल ही बताएंगे, आज तो बस यहां पर विश्राम दे रहे हैं।
कोई जीता नहीं था, कोई हारा नहीं था, जीत हार नहीं, ये हमको कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, इस विषय में जब संशय हो जाता है तो उस संशय का निराकरण संत के माध्यम से किया जाता है। उपनिषद ने कहा अगर आपके मन में किसी बात की कोई संशय की वृत्ति पैदा हो, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात्, पढ़ते हो ना, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो तो उस विषय के जो जानकार हैं उनके पास जाओ, अपने मन के संशय का निवारण कर लेना चाहिए। तो ये मन का संशय था कि गृहस्थ बढ़िया कि त्याग का मार्ग बढ़िया, वास्तव में बढ़िया घटिया की बात नहीं है, सभी अच्छे हैं, बस अपनी योग्यता को देखना पड़ता है। आप जिस लायक हैं उस मार्ग पर चलो, उस मार्ग पर चलो। अब इनके यहाँ चले जाओ डॉक्टर साहब के यहाँ, इनके यहाँ तमाम तरह की दवाइयाँ रखी हैं, उसमें एक रुपया की गोली भी होगी, 10 रुपया की भी गोली होगी, 100 रुपया की भी गोली होती है। आप कह दो कौन सी बढ़िया कौन सी घटिया, 100 रुपया वाली गोली बढ़िया और 1 रुपया वाली गोली घटिया, तो ये कहेंगे घटिया बढ़िया मत बोलो, पहले बीमारी समझो तुम्हारी बीमारी कौन सी। अगर तुम्हारी बीमारी है कि सस्ती वाली गोली से काम चल जावे तो वही दवाई तुम्हारे फायदे की है, फिर महंगी वाली दवाई से तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तो सस्ता महंगा नहीं, आपकी जैसी बीमारी है वैसे दवाई है। तो अगर आपके भीतर ममता है आसक्ति है तो गृहस्थ मार्ग में जाओ, क्रम से आगे बढ़ो, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में। अगर घोर आपके भीतर वैराग्य है, बिल्कुल सहज भाव में रह सकते हो जैसे जड़ भरत और हमारे ऋषभ देवता आदि रहते थे, तब आपके लिए फिर त्याग का मार्ग। अभी अभी स्वामी जी सुनाया था कि शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं रहता था नागा बाबा के, हाँ। अब महाराज यहाँ तो इतने कपड़े पहनो तो भी सवेरे कुड़कुड़ कुड़कुड़ होता है, हाँ। तो अब सहने की सामर्थ्य तो है ही नहीं, अब क्या करें। तो अगर त्याग की सामर्थ्य नहीं है तो वो वाला कपड़े पहन लो, और है तो ठीक है वैसा। तो किसी को छोटा बड़ा मत कहना, गृहस्थ आश्रम भी अच्छा और त्याग का मार्ग भी अच्छा, ठीक। जो जिस लायक है उससे आगे बढ़ो, परमात्मा तक जाकर के मुक्त हो जाओ। आज यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गे मैया की जय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।